नमस्कार, बंसीधर न्यूज की ओर से आप सभी का स्वागत है। फूड प्वाइजनिंग से महिला की मौत, चार की हालत गंभीर। खरौंधी प्रखंड अंतर्गत कूपा गांव में फूड प्वाइजनिंग से आज एक महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार के चार सदस्यों की हालत नाजुक बनी हुई है। मृत महिला का नाम उषा देवी बताया गया है। गंभीर रूप से बीमार सुनील शाह, माँ पानपति देवी, पुत्री पतंजलि कुमारी, पुष्पा कुमारी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उक्त सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक नितेश भारती एवं अभिनीत विश्वास द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सुनील शाह और उसके दोनों पुत्री पुष्पा एवं पतंजलि कुमारी को सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील शाह ने बताया कि बुधवार की रात में वे सभी चावल के साथ दाल और लौकी की सब्जी खाकर सोए थे। रात्रि में ही परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। लगातार हो रही उल्टी और दस्त के चलते आज सुबह उनकी पत्नी की हालत खराब हो गई। इलाज के दौरान अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने आज सरकारी एम्बुलेंस को फ़ोन कर सभी को उसी से भवनाथपुर CSC में इलाज के लिए भर्ती कराया। इस संबंध में CSC चिकित्सक नितेश भारती ने बताया कि महिला की मौत फूड प्वाइजनिंग से हो सकती है। चिकित्सीय जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकता है। हमारे अस्पताल में एक ही परिवार के चार सदस्य आए थे, जिसमें दो एक लेडीज एक जेंट्स और दो बच्चे हैं। रात सुना के जो पीड़िता के द्वारा बताया गया कि रात में इन लोगों ने खाना खाया, लौकी की सब्जी चावल इत्यादि, और रात को ही सही अचानक उन लोगों को लूज मोशन और वोमिटिंग स्टार्ट हो गया। हमारे पास दोपहर 11-12 बजे के पास आए, हम लोग उनको देखा, बताया गया कि रात से ही स्टार्ट है और अभी तक कंट्रोल है। हम लोगों ने दोनों को तो गढ़वा भेज दिया, साथ में उसके पिताजी को भी बच्चे के भेजा गया, एक लेडीज को यहाँ रखे हुए हैं, अभी वो खतरे से बाहर है। पर पता चला कि एक औरत की भी मौत हुई है जो पीड़ित थी उन्हीं की पत्नी का, अब इसका कोई पता नहीं चल पाया है कारण क्या है, चिकित्सीय जाँच के बाद पता चल पाया क्या।